टेलर कॉमर्स की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स में, जो टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मींस क्या? ऑब्जेक्टिव मकसद। ऑब्जेक्टिव मींस क्या? मकसद कि भाई हम अकाउंटिंग जो बनाएंगे उसके पीछे का मकसद क्या, अकाउंटिंग बनाने से हमें क्या फायदा होगा। ओके, व्हिच आर द बेनिफिट टू प्रिपेयर अकाउंटिंग, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट नंबर पॉइंट, सबसे पहले परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड मींस क्या कि हम हमारे अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे, रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने हमारे बिजनेस में 10,000 रुपीज का गुड्स परचेस किया, सो हम तुरंत लिख देंगे बुक में परचेस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। Then after, वापस हमने परचेस किया 5,000 रुपीज का गुड्स, तो वापस लिख देंगे गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 परचेस। उस तरह से सेल किया 8,000 का गुड्स, वापस हम लिख देंगे सेल द गुड्स ऑफ 8,000। ओके, ये सारा जो ट्रांजेक्शन हुआ परचेस का, सेल का, वो सारा हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि एक बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, ओके, तो हम भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सपोज करो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे ही न्यूमेरिकल, मतलब याद रहा, अभी किसी का दिमाग इतना पावरफुल तो है नहीं, ओके, कि उसने कल बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन उसको याद रहे। हो सकता है कुछ लोग होंगे याद रहे, लेकिन एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, फिर कब? एक महीने पहले क्या खाया, एक महीने पहले कितने ट्रांजेक्शन हुए याद रहेगा? नहीं। मैंने तो इवन कल क्या खाया वो भी मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब ट्रांजेक्शन याद रखने के लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन हम मिस ना कर ले, इसीलिए जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड, ताकि वो हम 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जितने भी मतलब ईयर होंगे तब तक वो हमारा रहे परमानेंट रिकॉर्ड। और ये अगर परमानेंट रिकॉर्ड होगा तो इसके बेस पे जो हमने अकाउंटिंग प्रिपेयर किया, फ्यूचर में हो सकता है कि हमें लोन चाहिए, तो अकाउंटिंग जो होगा परमानेंट रिकॉर्ड, तो बैंक होगी वो परमानेंट रिकॉर्ड आपका चेक करेगी, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगी कि आपको लोन सैंक्शन करना है या नहीं करना है। फ्यूचर के जो स्टेक होल्डर होंगे यानी क्रेडिटर जो होंगे वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, ओके, तब ये परमानेंट रिकॉर्ड होगा। तब अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो जितना परचेस है, जितना सेल है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर इनकम टैक्स की रेट हुई आपके यहाँ पे और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो जितना भी पैसा आपके पास है वो क्या कहलाएगा, ब्लैक मनी, ओके, क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ वो भी नहीं पता चलेगा, कितना टैक्स पे करना है वो भी नहीं पता चलेगा। सो परमानेंट रिकॉर्ड इज नेसेसरी, इज कंपल्सरी इन अकाउंटिंग। देन आफ्टर टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ पे, हर ट्रांजेक्शन जो हुए उसकी हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5,000 रुपीज का गुड परचेस किया और वही गुड्स अगर हमने 5,500 रुपीज में सेल किया, तो एक्स्ट्रा हमने 500 रुपए का इनकम किया, वो कब पता चलेगा, हमने रिकॉर्ड किया होगा तब। यानी हर ट्रांजेक्शन की बिजनेस में इफेक्ट क्या हुई, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी इनकम हुई या हमारा एक्सपेंस हुआ, उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे हमें पता चलेगा। यानी हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है वो पता चलेगा, हमारी इनकम, हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, राइट, तो हमारे बिजनेस का मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना। पैसे कमाने के लिए ही हम ये पसीना बहा रहे हैं, ठीक है, थीके? तो पैसे कमाने के लिए जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें, उस बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो जानने के लिए हमें अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा। तो सोचो, सपोज करो हमने अकाउंट नहीं बनाया है तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कितना, लॉस हुआ कितना, नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो ये जानना है हमें कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग एक्सपेंस और अलग अलग इनकम का
सेपरेशन करने के बाद जब हम लोग उसका कंपेरिजन करेंगे तो या तो इनकम ज्यादा हुई होगी या एक्सपेंस ज्यादा हुआ होगा। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए ही हम अकाउंटिंग क्रिएट करेंगे। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटीज। ओके, यानी गवर्नमेंट जो है, ओके तो गवर्नमेंट को हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है हर साल। तो अभी ये जो टैक्स की जो जिम्मेदारी है लायबिलिटी से, वो उसको पे करना है। तो टैक्स कैसे पे करेंगे? हमारे प्रॉफिट के बेस के ऊपर। अभी जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ओके हमारे लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आएगा? हम लोग जो टैक्स पे करेंगे हमारे बिजनेस में से, वही उसकी इनकम होगी और उस इनकम को वो हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो यूज करेंगे। तो अभी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ओके तो कितना टैक्स पे करना है वो कैसे पता चलेगा? हम हमारे बिजनेस में पूरा साल कितनी इनकम हुई, पूरा साल कितना एक्सपेंस हुआ, जब हमारी इनकम में से एक्सपेंस को डिडक्ट कर देंगे जो बचा वो प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है उसमें से टैक्स कैसे पे करना है? तो सुनो, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद, सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना है, लेकिन प्रॉफिट में पहले लिमिट था 2.5 लाख, 2.5 लाख तक जितना प्रॉफिट हुआ वो टैक्स फ्री। फिर नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो प्रॉफिट का जो मार्जिन था 2,50,000 के ऊपर टैक्स पे करना है, उसको डबल कर दिया। अभी 5 लाख रुपीज तक जितना भी प्रॉफिट हुआ वो टैक्स फ्री, 5 लाख के ऊपर जितना प्रॉफिट गया उसी के ऊपर आपको अभी टैक्स पे करना है। अलग अलग बिजनेस, अलग अलग सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, ऐसे प्राइमरी सेक्टर है, ऐसे मतलब तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग टैक्स का पे करने का वो परसेंटेज है। ओके, उसको हम नेक्स्ट में आगे सीखेंगे। बट गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे करना है तो प्रॉफिट जानना जरूरी है, और प्रॉफिट जानने के लिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज टू नो द साइज ऑफ द पेएबल। साइज ऑफ द पेएबल, पेएबल मीन्स क्या? एनी अमाउंट पेएबल टू द अदर पर्सन, मतलब लोगों को हमें कितना पैसा पे करना है। हमारे यहाँ पे मतलब क्रेडिटर भी है, जिनके पास हमने क्रेडिट पे परचेस किया, कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अभी पे करना बाकी है, वर्कर काम कर रहे हैं उसको सैलरी पे करनी बाकी है, हमारे पास जो फैक्ट्री है वो रेंट पे है तो रेंट पे करना बाकी। तो टोटल पूरे साल में हमें कितना पैसा अभी भी लोगों को पे करना बाकी है, उसकी साइज डिसाइड करना। सो टू नो द साइज ऑफ द पेएबल, पूरे साल हमारे बिजनेस को, लोगों को, अदर थर्ड पार्टी को कितना पैसा पे करना है वो जानने के लिए हम अकाउंटिंग बनाएंगे। और सेम टू सेम उसका रिवर्स, टू नो द साइज ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब रिसीव करना बाकी, पैसा लेना बाकी। तो हमारे बिजनेस में जुड़े हुए जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, जिनको हमने क्रेडिट पे बेचा, उधार बेचा, उनके पास तो पैसा लेना बाकी है, जिसको हम बोलेंगे डेटर, या किसी भी पर्सन को हमने लोन दी है जिसका पैसा लेना बाकी है। ओके, हमारे पास एक शॉप है जिसको मैंने रेंट पे दी है, तो उसका भी रेंट लेना बाकी है। तो पूरे साल में हमारे बिजनेस को कितने कस्टमर के पास, डेटर के पास, जितने लोगों के पास पैसा लेना बाकी है उसका टोटल, नो द साइज ऑफ रिसीवेबल, पूरे साल अभी भी कितना पैसा लेना बाकी है। क्योंकि पूरे साल हम बिजनेस जो करेंगे वो दो तरीके से करेंगे, या तो कैश ट्रांजेक्शन या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में कैश आ गई, चैप्टर फिनिश। लेकिन अगर हमने उधार बेचा, पैसा लेना बाकी है अभी भी, तो कितना टोटल कस्टमर का पैसा लेना बाकी है वो हमें कब पता चलेगा? रिकॉर्ड करेंगे तो। सो टू नो द साइज ऑफ द रिसीवेबल, कितना पैसा लेना बाकी है वो हमें पता चलेगा अकाउंटिंग के ऊपर से। एंड द नेक्स्ट वन, टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस मींस क्या? कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं लास्ट 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, तो उसका जो ग्रोथ है धीरे 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 कितना हुआ वो कब पता चलेगा? हमारे अकाउंट पे से, अकाउंटिंग जो हमने प्रोसेस की उसके ऊपर से, रिकॉर्ड किया उसके ऊपर से। तो बिजनेस में हमारा नाम कब बढ़ेगा? जब हम धीरे धीरे प्रॉफिट करेंगे, तब। जब धीरे धीरे हमारा सेल बढ़ता जाएगा, कस्टमर हमारे बढ़ते जाएंगे, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही हम
मार्केट में धीरे 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 अपना नाम, हमारी गुडविल बनाते जाएंगे। तो मार्केट में हमारा स्टेटस क्या है, मार्केट में हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का नाम कितना है, वो कब पता चलेगा, जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तब। सो हमारा इकोनॉमिक मार्केट में स्टेटस क्या है वो जानने के लिए, हमारे पास टोटल कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, वो सबको जानने के लिए दोस्तों अकाउंटिंग जरूरी है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज टू डिटेक्ट अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। सो टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड द फ्रॉड, डिटेक्ट मींस पकड़ना, डिटेक्टर प्राइवेट डिटेक्टर पकड़ना, क्या पकड़ना, अवॉइड द एरर एंड द फ्रॉड। एरर एंड फ्रॉड क्या होता है, सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी कस्टमर को मैंने एक महीने पहले 2000 का क्रेडिट सेल किया था, उधार बेचा था, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं तो भूल गया कि मैंने उसको उधार बेचा है। ओके, तो अगर मैं भूल गया तो मेरे बिजनेस में लॉस आएगा। ऐसे तो हजारों कस्टमर है, कितने लोगों का याद रखेंगे हम लोग। ओके, सो रिकॉर्ड करना जरूरी है। सो अवॉइड एरर, एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, प्लस फ्रॉड, हमारे बिजनेस में स्टॉक भी होगा तो हर गुड्स का कितनी कितनी क्वांटिटी में स्टॉक है वो हम रिकॉर्ड करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग बना ही नहीं, रिकॉर्ड किया ही नहीं है, हमारे बिजनेस के जो ड्रॉअर में कितने पैसे है वो हमें पता ही नहीं है, हमारे बिजनेस में कितना गुड्स है वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर कोई जो चोर होगा, ओके, वो अगर चोरी करके जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना स्टॉक था, कितना बचा, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग कितना स्टॉक था, वो पता ही नहीं चलेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉड, चीटिंग को रोकने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए हमें हमारे अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले परमानेंट रिकॉर्ड करना, साइज ऑफ इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की इफेक्ट जानना, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो वो जानना, देन आफ्टर टैक्स कितना पे करना है वो जानना, देन आफ्टर कितना पैसा पेबल पे करना बाकी है, कितना पैसा रिसीवेबल लेना बाकी है, हमारा बिजनेस का मार्केट में क्या स्टेटस है वो जानना, एंड टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग बनाएंगे। ओके, आई होप ये जितने भी पॉइंट्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ओके, ताकि सब लोगों को अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग वो समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के बाय।